नमस्कार साथियों, बाय वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों के बिहार पैरामेडिकल 2021 के एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त वो क्या क्या लगेगी, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो ओरिजिनल ले लिए जाएंगे और आपको वापस नहीं किए जाएंगे कोर्स पूरा होने तक, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वापस कर दिए जाएंगे, और अगर आपके पास CLC और माइग्रेशन ना हो तो आप क्या करोगे। यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए होंगे तो आपके पास CLC और माइग्रेशन नहीं होगी प्रेजेंट में, उस स्थिति में आप क्या करोगे, तो वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए पहले बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और कितनी कॉपीज उनकी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख रखे हैं। अगर 10th लेवल की बात करें, 10th लेवल मार्कशीट आपको चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, 12th का मार्कशीट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, CLC चाहिए, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, चलो, और एक्स्ट्रा में कौन कौन से चाहिए, तो एक्स्ट्रा में जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, आरक्षण प्रमाण पत्र चाहिए। अब बोलिएगा सर, ये आरक्षण प्रमाण पत्र, सपोज दैट आप अगर EWS से आते हैं तो EWS कास्ट बेसिस पर जो आपको लाभ मिलेगी वो आपको तभी मिलेगी जब आपके पास आपके आरक्षण वाले यानी कि EWS सर्टिफिकेट होंगे तभी। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, हम उस पर बात करेंगे कि माइग्रेशन और CLC नहीं हो 12th वाला, तो पहले हम देख लेते हैं कि पैरामेडिकल रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो पैरामेडिकल का जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपके हार्ड कॉपी निकले थे, हॉट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी, ठीक है, वो हार्ड कॉपी चाहिए। साथ ही आपके बिहार पैरामेडिकल के एडमिट कार्ड चाहिए, रैंक कार्ड चाहिए, और अभी जो सीट अलॉटमेंट लेटर निकली है जिसके द्वारा आपको खुशी प्राप्ति हुई कि हमें ये कॉलेज मिली है और ये ब्रांच मिली है, तो वो सीट अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए। ठीक है, अब बताते हैं कि कितनी कॉपीज चाहिए। तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स का दो दो कॉपियां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त लगेगी। ठीक है, ओरिजिनल के साथ साथ आपको प्रत्येक का टू टू कॉपीज चाहिए वहां पर। ठीक, तो दो दो कॉपी आप करवाओगे, और मेरी एक मानो तो जब भी आप मार्केट जाएंगे इन सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज करवाने, तो आप 3 कॉपी करवाइए, उसमें से एक घर पे रख दीजिए, बाकी 2 जो है आप ओरिजिनल के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाइएगा। अब बात करते हैं कि जिन भी स्टूडेंट के पास माइग्रेशन और CLC नहीं है वो क्या करे। ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो ग्रेजुएशन में कहीं पर एडमिशन ले लिए होंगे, अब उनका जो है बिहार पैरामेडिकल में रिजल्ट आया, तो अब वो क्या करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है एक एप्लीकेशन लिख करके आप अपने ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में दीजिएगा कि सर मेरा जो है रिजल्ट इसमें हो गई और मैं यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मेरा TC दे दिया जाए यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाए, तो ग्रेजुएशन वाले कॉलेज जो है आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देंगे, और उसके बाद जो है आप उन्हें लेकर के आओगे कहाँ पर, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना कम समय में आपको नहीं मिलता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो मैं कहूँगा कि 12 लास्ट डेट है, आप जो है 10 से पहले जाओगे। जिस भी कैंडिडेट के साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप 10 से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पहुंच जाइए, ताकि वहां पर आप जाकर के कहिएगा कि एडमिशन टाइम तक मैं TC जमा कर दूंगा। ठीक है, एडमिशन टाइम तक मैं TC जमा कर दूंगा, तो ऐसे करके आपकी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर एक पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जिस पर आपको डाउट थी, जो आपकी दिक्कतें थी, उनको कवर करने का कोशिश किया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही और भी अगर कोई क्वेश्चंस हो, और भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए बैठा हूँ। साथ ही बिहार पैरामेडिकल 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बायवर्ल्ड में बिहार पैरामेडिकल 2022 के लिए बहुत सारे बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें आपकी क्लास करवाए जाएंगे और आपकी रिजल्ट्स भी सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि हम बिहार पैरामेडिकल में 2019 से लगातार रिजल्ट देते आए हैं और 2021 में तो हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप बायवर्ल्ड चैनल पर जाकर के देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।